हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। फिल्म 2.0 का ट्रेलर लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही। जी हां, इस समय हर जगह बस 2.0 की ही चर्चा हो रही है। वहीं हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस फिल्म ने एक ही दिन में क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नंबर वन, रिलीज से पहले ही कमाए पैसे। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 80% पैसे कमा लिए हैं। अब वो कैसे, तो आपको बता दें कि इस फिल्म ने म्यूजिक और टेक्निकल राइट्स के साथ तमिल की प्री बुकिंग से कुल 490 करोड़ की कमाई की थी। अब भाई 600 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म रिलीज के पहले ही 500 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जो आज तक इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। नंबर टू, अक्षय कुमार की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म। खिलाड़ी कुमार अक्षय की ये बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। जी हाँ, इस फिल्म ने 61 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं अक्षय की दूसरी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म थी गोल्ड, जिसने 25 करोड़ 25 लाख कमाए थे, तो ऐसे में एक नया रिकॉर्ड अक्षय के नाम हो गया है। नंबर थ्री, बाहुबली को छोड़ा पीछे। इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म बाहुबली 2 को 2.0 ने कई मामलों में पीछे कर दिया है। फिल्म के बजट को देखा जाए तो बाहुबली 2 का बजट सिर्फ 250 करोड़ बताया जाता है, वहीं 2.0 का बजट लगभग 530 करोड़ है। वहीं दूसरी तरफ 2.0 बाहुबली से ज्यादा स्क्रीन पर भी रिलीज हुई है। इतना ही नहीं, 2.0 ने सैटेलाइट राइट्स के मामले में भी बाहुबली 2 को मात दे दी है। 2.0 के हिंदी, तमिल और तेलुगु के सैटेलाइट राइट्स 110 करोड़ में बिके हैं, जबकि बाहुबली 2 के सैटेलाइट राइट्स सिर्फ 78 करोड़ में बिके थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 2.0 कई मामलों में बाहुबली 2 से आगे निकल गई है। नंबर फोर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी दी मात। आमिर खान, कटरीना, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी अक्षय की फिल्म 2.0 ने मात दे दी है। जहां ठग्स ने पहले दिन भारत में 52 करोड़ की कमाई की थी, वहीं 2.0 ने पूरे भारत में 61 करोड़ की कमाई कर डाली है। नंबर फाइव, साउथ की फिल्मों के भी तोड़े रिकॉर्ड। रजनीकांत की फिल्म काला कबाली का तो 2.0 ने रिकॉर्ड तोड़ा ही, साथ ही फिल्म सरकार विवेगम की भी ये फिल्म छुट्टी कर चुकी है। पहले दिन 2.0 ने चेन्नई में 2 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, वहीं सरकार ने 2 करोड़ 37 लाख का, काला ने 1 करोड़ 76 लाख का, मर्सल ने 1 करोड़ 52 लाख का, विवेगम ने 1 करोड़ 21 लाख का। तो देखा आपने, ये है वो रिकॉर्ड जो 2.0 ने आते ही तोड़ दिए हैं। वैसे अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म और कितनी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ती है। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।